दबंगों से परेशान होकर पति पत्नी जाकर थाने सुरूर में अपनी तहरीर दी। उसके बाद शासन प्रशासन ने दोनों लोगों की तहरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया। दबंगों से परेशान होकर उन लोगों ने आकाश सुरूर थाने में अपने आप को मिट्टी का तेल डालकर अपने शरीर पर पति पत्नी दोनों ने मौजूद थाने में आग लगा ली। उसके बाद थाने के कुछ कर्मचारियों ने उनको आग से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको 108 एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में मथुरा रेफर कर दिया गया, जिससे उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं सुधीर थाने से दो दबंग आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि जलने वाले पति पत्नी को न्याय दिया जाए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला क्या था सर? दबंग लोग मुझे रोज मार रहे हैं, पुलिस दाम लेके कुछ नहीं कर रही, रिपोर्ट नहीं करी। मैं डॉक्टरी मायना भी करवा लेगी चांद बोर दी, फिर भी नहीं, कपड़ा पार दिए, कई दिन में मारा हूँ, रोज रोज मारपीट हो रही है, पुलिस दाम लेके कार्रवाई नहीं करती है। किस बात को लेकर मारपीट होती, क्यों होती थी? सर मेरे घर को चुड़ाने की कोशिश है। कौन से गांव है? गांव सुरीर है साहब का नाम। सुरीर में प्रॉपर? कौन लोग हैं दबंग? दबंग ठाकुर लोग हैं। क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम, एक का नाम बबलू, हाँ, सुम्मो, हाँ, और साहब जी के सतपाल और धान सिंह, ये लोग हैं चार। तो ये तुम्हारे मकान को छुड़ाना चाहते थे? हाँ सर, मैंने बहुत एसएसपी को भी खबर दे दी है, पुलिस आए दिन मारते हैं पीटते हैं, पुलिस को भी सूचना दी थी सर, कप्तान साहब तक पहुंच गया मैं, मुझे न्याय नहीं मिला। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। और आपकी ये पत्नी है? पत्नी है, जिसका नाम है चंद्रवती। ये सुवीर थाने पर आज एक दंपत्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया। इनका कहना यह है कि 23 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसके ऊपर इन्होंने नामजद यहाँ पर तहरीर दी थी। इनका ये कहना है कि तहरीर के अंदर कार्रवाई नहीं हुई है। इस संदर्भ के अंदर ये आरोप लगा रहे हैं एक दीपक नागर करके सब इंस्पेक्टर, जिनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी चीज, विस्तार से प्रकरण को देखा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आगंतुक रजिस्टर के अंदर भी चीज़ें थी, मेडिकल भी कराया गया था, और उसके बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, FIR में क्या इशू रहा, उसको तो विस्तारपूर्वक देखा जा रहा है। यदि किसी और का भी रोल निकल के आएगा तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तीसरी चीज़, जो पीड़िता है और उनके पति हैं, उनको नेती हॉस्पिटल अभी लेके गए हैं यहाँ से, और आवश्यकता होगी तो हायर रेफरल सेंटर के ऊपर भी रेफर कराया जाएगा। चौथी चीज़, जिसके लिए आरोप लगाया गया था उसके लिए टीम गठित करके रवाना कर दी गई गिरफ्तारी हेतु, और जैसी अपडेट होगा आप लोग को ब्रीफ किया जाएगा।